स्पैनिश विला डिजाइन 110 गज के अंदर, व्हाइट के अंदर हमने एटिक की डिजाइनिंग करके टॉप पे देखिए कितनी सुंदर राउंड शेप में जो फिगर्स हैं, डबल टैप्स का काम है, कितने सुंदर एटिक्स का डिजाइनिंग है। अल्टीमेट लुक होने के कारण हमने यहाँ पे विंडोज का भी विंडो डिजाइन है, वो भी एलिगेंट गोल शेप में जो एलिगेंट डिजाइनिंग है, इस तरीके की वुडन टाइलिंग की सीलिंग की एलिगेंट लुक दे रही है। बीच में वार्म लाइटिंग हमने डाल दी है। कितने अमेजिंग ग्लिम्स से आपने इस वीडियो के अंदर जाना और देखा 110 गज के अंदर कैसे आप एक स्पैनिश विला डिजाइन बना सकते हैं, वो भी कॉर्नर का और अल्टीमेट डिजाइनर लुक में। तो आज इस वीडियो के अंदर प्रॉपर देखेंगे 22x45 के अंदर 110 गज के अंदर ये घर है और अल्टीमेट डिजाइनर फील के साथ इसकी फ्रंट एलिवेशन है, जहाँ पे हमने स्पैनिश डिजाइनिंग का खेल खेला हुआ। स्पैनिश डिजाइनिंग क्या होती है कि वाइट के अंदर हमने एटिक की डिजाइनिंग करके टॉप पे देखिए कितनी सुंदर राउंड शेप में जो फिगर्स है ना, वो एक तरह से स्पैनिश डिजाइनिंग का खेल देते हैं और यूरोपियन डिजाइनर लुक्स देते हैं। तो उस तरीके के सिंपल और डिजाइनर लुक के साथ ये एलिवेशन है, जिसमें हमने ऑफ वाइट कलर का रस्टिक पेंट का काम है, उसके साथ यहाँ पे बहुत ही सुंदर एरियाज हैं। देखिए आपकी जो ग्रिल्स डिजाइन है सिंपल और एलिगेंट लुक में है, जो फर्स्ट फ्लोर की विंडो डिजाइन है वो भी एलिगेंट गोल शेप में जो एलिगेंट डिजाइनिंग है, उस तरीके के एरियाज हैं। यहाँ पे जो मैं आपको पिलर्स दिखा रहा हूँ ना, ये पिलर्स हैं, उस तरीके की स्पैनिश डिजाइनिंग का लुक आपको वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पा रहे हैं। देखिए ये स्पैनिश विला डिजाइन इस तरीके से हैं कि आपको सिंपल और एलिगेंट डिजाइनिंग के साथ लुक आई है। डबल शेड के लैंप्स हैं जो रात को बहुत जगमग करेंगे, उसके साथ यहाँ पे आपकी जो 11 फुट पे छत रखी है उसमें व्हाइट कलर की हमने लाइटिंग का वर्क है, जो कि बहुत ही सुंदर डिजाइनिंग का खेल है। उसके साथ यहाँ पे तकरीबन 5-5 फुट के दो पिलर्स हैं जहाँ पे हमने बहुत ही सुंदर लाइटिंग का वर्क किया गया। यहाँ पे आपके बहुत ही सुंदर प्लांटर्स का इस्तेमाल किया गया, उस तरीके के प्लांटर्स के इस्तेमाल के साथ ये एरियाज आपको एज इट इज मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे व्हाइट और ब्लैक के साथ नॉर्मल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे इसकी फ्रंट एलिवेशन है। अभी ये कॉर्नर का घर है जैसे मैंने बताया था, तो कॉर्नर में भी यहाँ पे हमने एलिवेशन रस्टिक पेंट के साथ बहुत ही सुंदर एरियाज डिजाइनिंग है। देखिए रस्टिक पेंट ना फ्यूचर में खराब नहीं होगा, उस तरीके की डिजाइनिंग है और ऊपर भी यूरोपियन एरियाज का वर्क है। और कॉर्नर का घर और सिंपल ग्रिल की डिजाइनिंग में आप सस्ते में और बढ़िया घर कैसे बना सकते हैं इस वीडियो के अंदर देख पाएंगे। अल्टीमेट डिजाइनर लुक में ये घर है। अब 22x45 के हमने ऐसा एरियाज बनाया कि आपके घर के अंदर ही गाड़ी पार्क हो जाएगी। तकरीबन ये 11 फुट का ये एरिया, 10 फुट का यहाँ पे एरिया है और यहाँ पे आपके घर के अंदर ही 11x14 का ये लंबा चौड़ा एरिया जहाँ पे आपके घर के अंदर ही गाड़ी पार्क हो जाए, उस तरीके के डिजाइनर लुक्स में यहाँ पे हमने ब्लैक ग्रेनाइट का अमेजिंग लुक में वर्क किया गया। देखिए सुंदर एरियाज, यहाँ पे आपकी फर्स्ट फ्लोर को स्टेज जा रही है, कैसे आप छोटा सा विला और एक डिजाइनर लुक में बना सकते हैं इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पा रहे हैं। घर हो कॉर्नर का और लग्जरी फील में, देखिए यहाँ पे आपके लिए प्रॉपर हमने एरियाज बनाए जहाँ पे आपके लिए बेसिकली ग्रास के साथ ये एरियाज हैं और यहाँ से आपके बेसिकली प्लांटर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के डिजाइनर लुक्स में ये घर एज इट इज मिलेगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फ्लोर को स्टेज जा रही है, छोटे स्पेस में भी हमने यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया है, यहाँ पे आप सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अभी थोड़ा सा काम बाकी चल रहा है, इसमें डिजाइनर लुक्स में एरियाज हैं। उसके साथ ही यहाँ पे हमारा मेन द्वार है जहाँ पे हमने मॉडर्न फिंगरप्रिंट सेंसर्स के साथ ये डोर कार्ड ऐसे मिलेगा। मैं हूँ अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नोक्रेडेंशियल्स। सो फ्रेंड्स लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच एक 3 BHK का सिंपल डिजाइनर हाउस। ये है सिंपल एलिगेंट डिजाइनिंग में ये घर है और 110 गज के अंदर डिजाइनर घर, जो कि आपकी बैक एंड वॉल देखिए हमने टॉप तक इसके अंदर सीलिंग के साथ यहाँ पे कर्टन डिजाइनिंग का खेल खेला हुआ है और इसमें जो राउंड शेप की डिजाइनर लुक्स आपको मिल रही है। बैक एंड वॉल पे भी हमने वॉलपेपर के साथ बहुत ही सुंदर यूरोपियन वॉल्स का लुक दे रहा है। तो एक घर को सिंपल और एलिगेंट डिजाइनिंग के साथ खेल खेला गया है। यहाँ पे एल शेप का सोफा पड़ा है जहाँ पे आपके 7 सीटर ये सोफा है और 1 सीटर वो हो गया, तो आराम से 8 सीटर सोफा आपका आराम से यहाँ पे बनता है। और यहाँ पे हमने देखिए प्लांटर्स का इस्तेमाल किया, एलिगेंट लुक दे रहा है। और सीलिंग में डिजाइनिंग लुक देखिए, सीलिंग में हमने राउंड शेप की सीलिंग किया जो कि एलिगेंट लुक दे रही है। बीच में वार्म लाइटिंग हमने डाल दी है जिसमें जबरदस्त एरियाज आपके लिए प्रॉपर ACs हम लगा के दिए हुए हैं। तो इस तरीके से एरियाज हैं कि AC से आपको प्रॉपर लग रहा है कि भैया कहाँ पे क्या चीज आने वाली है। तो उस तरीके की डिजाइनर लुक उधर आपको लग रहा है, वहां पर पड़ा है आपका डाइनिंग टेबल जो 6 सीटर डाइनिंग टेबल है विद ऑनेक्स टेबल और एलिगेंट डिजाइनिंग में इसकी भी हमने सारी टेबल्स के साथ आपका एरियाज देखिए हम जो चीजें दिखाते हैं विद फर्नीचर इसलिए दिखाते हैं सो डेट आपको स्पेस का प्रॉपर अंदाजा हो सके। तो उस तरीके के एलिगेंट डिजाइनिंग में हमने देखा इसका ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया। इसके बाद चलेंगे इसके मॉड्यूलर किचन, स्पेशियस मॉड्यूलर किचन। डिमेंशंस की बात करूंगा तकरीबन 10x10 की लंबी चौड़ी किचन जहां पे हमने इसको यहां पे एंटी नॉइज वाली सिंक का काम किया जो कि सिरामिक के अंदर आई हुई है। यहाँ पे आपके डबल टैप्स का काम है, यहाँ पे आपकी चिमनी प्रॉपर स्पेसेस हैं, यहाँ पे आपके लिए
एरियाज हैं जहां पे आपके लिए अनवांटेड थिंग्स आप रख सकते हैं। तो इस तरीके के बेज कलर के साथ यहां पे टेंडम बास्केट्स वाला काम, तो उस तरीके की डिजाइनर लुक में ये हमारी है किचन जहां पे हमने इसको वेंटिलेटेड स्पेसेस के सामने बनाया गया। तो लुक ऐसा होना चाहिए भैया कि घर में जबरदस्त हो, और ऐसे डिजाइनर लुक में मिलते हैं आपके टेक्नोक्रेडेंशियल के चैनल पर। तो चैनल पर पहली बार आए प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लें। अब इसके बाद चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर जो कि लग्जरी फील में आपको इस तरीके से दिखेगा। देखिए हमने इसमें सिंपल एलिगेंट डिजाइनिंग रखी हुई है कि हमने आपको फर्नीचर का एरिया दर्शाया हुआ है कि आपको पता लगे भैया कितना फर्नीचर में कितना ज्यादा स्पेस है। देखिए ये आपका किंग साइज बेड आ गया, तकरीबन 2 फीट की यहाँ पे स्पेस आ गई, 2 फुट की वहां पे स्पेस आ गई। यहाँ पे आपके आपके सारे के सारे हम एरियाज बना कर दे रहे हैं, जैसे कि वार्डरोब डिजाइनिंग। यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब का ये फायदा है बॉस की, यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब आया आपका। यहाँ से आपका अगर जो बड़े शटर्स होते तो वो यहाँ पे अड़ते, लेकिन यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब हैं तो ये पूरा का पूरा स्लाइडिंग खुल जाएगा आराम से, सॉफ्ट एनक्लोजर वाला, और आपको कोई इशू नहीं है। और डेड स्पेस का यूसेज किया गया है। देखिए जो भी मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना आप अपने नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये देखिए डेड स्पेस का यूसेज, हमने किंग साइज बेड लगा दिया, स्लाइडिंग वार्डरोब, ये जो आजकल की मॉडर्न ट्रेंडिंग डिजाइन है हम बना कर दे रहे हैं, लग रहे हैं। तो उस तरीके के डिजाइनर लुक में इसकी सीलिंग डिजाइन देखिए, नॉर्मल एलिगेंट डिजाइनिंग, जितनी वाइट कलर में सीलिंग होती है उतनी वास्तु फ्रेंडली रहती है। तो इस तरीके के डिजाइनर एरियाज में देखिए यहाँ पे आपका प्रॉपर वेंटिलेटेड स्पेस के साथ यहाँ पे नेचुरल लाइट की स्पेस भी आपको नजर आ रही है। इसके साथ चलेंगे इसके अटैच वॉशरूम, एक लग्जरी फील में वॉशरूम है, तकरीबन 4x6 का लंबा चौड़ा वॉशरूम जहाँ पे हमने लाइट ब्राउन टाइलिंग का वर्क किया गया, ओवरहेड तक कर दिए गए, वेंटिलेटेड स्पेसेस यहाँ पर भी दिए हुए हैं। देखिए वेंटिलेशन का मैं इतने ध्यान देता हूँ क्योंकि नेचुरल चीज़ों में आप जितनी पास बनेंगे उतना बढ़िया रहता है। यहाँ पे वैनिटी देखिए प्रॉपर है आपकी WCC। उसके साथ ही चलेंगे इसके सेकेंड बेडरूम के अंदर, स्पेशियस सेकेंड बेडरूम भी आप अपनी स्क्रीन पे नजर कर पाएंगे जहाँ पे आपके लग्जरी फील में ये सेकेंड बेडरूम है। जो ये नॉर्मल लुक में था यहाँ पे हमने नीचे वुडन टाइलिंग का वर्क किया गया। अब चलेंगे इसके सेकेंड बेडरूम के अंदर, जितना स्पेशियस फर्स्ट था उतना ही सेकेंड है, लेकिन इसमें हमने वॉलपेपर का इस्तेमाल किया है। देखिए कितना सुंदर वॉलपेपर है, कॉर्नर के घर होने के कारण हमने यहाँ पे विंडोज का भी डिजाइनिंग है कि आपको नेचुरल लाइट का मुजाहरा हो सके। जितना आपका कॉर्नर हाउस होता है उतना ना वो बेसिकली वास्तु या आपको नेचुरल के पास ना जो है नेचर के पास ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको विंडोज का प्रॉपर एरियाज मिलता है। उसके बाद सीलिंग डिजाइन देखिए, नॉर्मल सीलिंग डिजाइन के साथ हमने एलिगेंट लुक दिया गया है। अगर जो आपके पास घर में एरियाज कम है और आपको एक लग्जरी फील में घर बनाना है तो नीचे आप वुडन फ्लोरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वुडन फ्लोरिंग खराब होती है तो वुडन टाइलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके की वुडन टाइलिंग का चल रहा है। उसके साथ यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब्स दिए गए हैं जैसे हमने उधर दिए थे, तो सिमिलर वार्डरोब्स हमारे इधर भी हमने दिए गए हैं विद डेड स्पेस का यूज। उसके साथ ही चलेंगे इसके अटैच वॉशरूम, ये भी लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन टाइलिंग के साथ अमेजिंग लुक में ये एरियाज हैं, डिजाइनर लुक में ये एरियाज आपको एज इट इज मिलेंगे। अब चलेंगे इसकी फर्स्ट फ्लोर के अंदर, स्पेशियस फर्स्ट फ्लोर आपके लिए वेट कर रही है। जैसे ग्राउंड फ्लोर पे हमने 2 बेडरूम ड्राइंग डाइनिंग किया, वहां पे आपको एक 3 BHK का हाउस दे रहे हैं स्पेनिश डिजाइनिंग के साथ अल्टीमेट लुक। देखिए स्क्रीन को चलते हुए देख पा रहे हैं आपको, तो कितना मजेदार लुक आपको चलेगा। चलेंगे इसकी फर्स्ट फ्लोर के अंदर जहाँ पे स्पेशियस एरियाज आपके लिए वेट कर रहे हैं अल्टीमेट डिजाइनर लुक में। चलेंगे इसकी फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे आपके लिए स्टेयर्स जा रही है, यहाँ पे आपके सारे MCB एरियाज हैं ये जो मैं आपको स्पेनिश डिजाइन की डिजाइनर लुक दे रहा था, तो यहाँ से आपको प्रॉपर देख पाएंगे ये कि किस तरीके के एरियाज में ये घर एज इट इज मिलेगा। उस तरीके के एरियाज में यहाँ पे एक छोटी सी पेंट्री एरियाज बनाया हुआ है, और यहाँ पे आपका फर्स्ट बेडरूम आ गया है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। तो ऐसे एरियाज में देखिए जो ग्राउंड फ्लोर पे आपकी चीजें दिख रही थी ना, यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर से विंडोज डिजाइन दिख रही थी, तो इस तरीके की विंडोज डिजाइन बनाई है। देखिए कितनी अच्छी डिजाइनिंग है, उस तरीके से हमने यहाँ पे ग्लास के विंडोज का इस्तेमाल किया गया। उसके साथ यहाँ पे हमारा बेडरूम है, देखिए एक लग्जरी फील में, देखिए यहाँ से आपको प्रॉपर एरियाज दिख रहे हैं। उसके साथ ही अटैच वॉशरूम है इसके अंदर लग्जरी फील में, यहाँ पे भी ब्राउन कलर और ब्लैक कलर की टाइलिंग के साथ ये लुक है। तो बॉस घर लेके आए थे आपके लिए एक डिजाइनर सा जो कि स्पेनिश डिजाइनिंग का होम है। देखिए यहाँ पे कितने सुंदर एटिक्स का डिजाइनिंग है अल्टीमेट लुक में, और कॉर्नर का हाउस और ऐसी ग्रिल डिजाइनिंग के साथ जो अल्टीमेट लुक दे। चैनल पर पहली बार आए प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लें। एक डिजाइनर घर लेके आते हैं अंशुल के चैनल पर, उसके लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब तो मिलता ही है। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।